नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री कर्णी कॉमर्स क्लासेस में। चलते हैं दोस्तों 4 और 5 जून की 2020 की करंट अफेयर्स की तरफ। आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यानी 5 जून 2020 के ऊपर ग्लोबल लेवल के ऊपर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जा रहा है। दोस्तों इस समय मैं एक ही शब्द कह सकता हूँ, सेव ट्री सेव लाइफ। उसके बाद चलेंगे दोस्तों मानुषी छिल्लर जो कि फॉर्मर मिस वर्ल्ड रह चुकी है इंडिया की, उन्होंने एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर ज्वाइन करी है। दोस्तों उसके बाद यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया एक मेंस्ट्रुएशन हाइजीन रेड डॉट प्रोग्राम के अंदर जो ब्यूटी क्वीन है उन्होंने ये ज्वाइन कराया और उसमें मानुषी छिल्लर ने पार्टिसिपेट करा है। और उसके बाद दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग के द्वारा इंजीनियरिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप लॉन्च किया गया है। दोस्तों बॉलीवुड की तरफ से एक अच्छी खबर नहीं आ रही है और जाने माने फिल्मकार वासु चटर्जी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद दोस्तों एक किताब की तरफ चलेंगे जो कि किताब का नाम है द ड्राई फैंटास्टिक मिरेकल फ्रॉम द डिप्राइविव टू थेरिव जो कि ल्यूक कॉटिन और शेख अब्दुल अजीज बिन अली बिन राशिद अल नुआमी के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चेहरा दिखाया था और कहा था कि ये सेलिब्रिटी कौन है। आप युवा एंटरप्रेन्योर और फाउंडर ऑफ ओयो रूम्स के मिस्टर रितेश जी अग्रवाल है। दोस्तों आप अभी फोर्ब्स की सूची में बिलियनर्स में शामिल किए गए और आपका नाम है रितेश जी अग्रवाल। तो ऐसे युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए सलाम है दोस्तों, और यहाँ से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आप सबको वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की शुभकामनाएं जो कि 5 जून 2020 के दिन आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस साल की दोस्तों जो थीम रखी गई है वो रखी गई है टाइम फॉर नेचर। जी हाँ, टाइम फॉर नेचर विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है। इसको यूएनईपी के द्वारा और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इस बार मनाया जा रहा है। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जिसका हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में है और वर्तमान में इसकी डायरेक्टर इनिजर एंडरसन है और 5 जून 1972 के दिन इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इस बार 2020 के अंदर जो होस्टिंग किया जा रहा है वो कोलंबिया से किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन सकता है दोस्तों कि कोलंबिया इस बार होस्ट कर रहा है 2020 का वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। और यूएनईपी की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जिसका हेडक्वार्टर कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, केन्या नैरोबी में है और 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस साल की थीम है दोस्तों टाइम फॉर नेचर, यानी कुछ समय आपको प्रकृति के लिए देना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और फॉर्मर इंडियन मिस वर्ल्ड की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है मानुषी छिल्लर। जी हाँ, फॉर्मर मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने ज्वाइन करा है एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर रोहित और हिमा दास के साथ। इससे पहले रोहित शर्मा और हिमा दास एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर थे और अब मानुषी छिल्लर को भी एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों एडिडास जर्मनी बेस्ड एक कंपनी है जो कि स्पोर्ट्स डिजाइन करती है, शूज वगैरह इत्यादि। और वर्तमान में इसके सीईओ कैस्पर रोस्टर्ड है जिसकी स्थापना एडिडास की 18 अगस्त 1949 के दिन हुई थी और इसके फाउंडर का नाम दोस्तों एडोल्फ डेसलर है। दोस्तों यूनिसेफ के द्वारा चलाए गए रेड डॉट चैलेंज प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए कुछ ब्यूटी क्वीन ने इनको ज्वाइन करा है। जी हाँ, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन जिसको प्रमोट करने के लिए एक रेड डॉट चैलेंज यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया है और उसमें कुछ ब्यूटी क्वीन ज्वाइंस कर रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन के अंदर मानुषी छिल्लर नजर आ रही है। जी हाँ, वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे जो कि 28 मई के दिन बनाया गया था उसी दिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा है हमारी ब्यूटी क्वींस मानुषी छिल्लर ने। जी हाँ, यूनिसेफ के बारे में बताना चाहता हूँ जो एक यूएन की एजेंसी है और जिसके प्रेसिडेंट रवाब फातिमा जो बांग्लादेश से बिलोंग करती है वो है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में एनरिटे एच फोर है और हेडक्वार्टर इसका जो है दोस्तों वो यूएस के न्यूयॉर्क में स्थित है और इसकी स्थापना यूनिसेफ की 11 दिसंबर 1946 के दिन मनाई हुई थी। यूनिसेफ
जिसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है दोस्तों, और मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे जो कि 28 मई के दिन मनाया गया था 2020 के दिन, उस दिन फॉर्मर मिस वर्ल्ड मनुश्री चिल्लर जो कि हमारी ब्यूटी क्वीन है, उसने यूनिसेफ के द्वारा चलाए गए इस मेंस्ट्रुएशन हाइजीन प्रोग्राम में रेड डॉट चैलेंज को एक्सेप्ट करा है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं एचआरडी मिनिस्टर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं रमेश जी पोखरियाल, और अर्बन अफेयर मिनिस्टर मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, और कैबिनेट के अंदर नरेंद्र सिंह जी तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया एक इंजीनियरिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए, जिसका नाम ट्यूलिप रखा गया। ट्यूलिप की फुल फॉर्म है दोस्तों द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो डेवलप किया गया जॉइंटली ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसे हम AICTE कहते हैं, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जिसको MOHUA कहते हैं, जिसमें कैबिनेट स्तर पर नरेंद्र सिंह जी तोमर इसके हेड है, और वैसे हरदीप सिंह पुरी इसमें हेड है दोस्तों। और ये जो एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, जिसका नाम ट्यूलिप रखा गया है दोस्तों। उसके बाद बॉलीवुड जगत की तरफ चलते हैं, और भारतीय बॉलीवुड जगत की तरफ से एक अच्छी खबर नहीं है, जाने माने फिल्मकार वासु जी चटर्जी का निधन हो गया है। जी हाँ, वासु चटर्जी जिनका जन्म राजस्थान के अजमेर में 1927 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 2020 में हो गई दोस्तों। वासु चटर्जी ने अपनी शुरुआत करी थी टीवी सीरियल से, दो जाने माने टीवी सीरियल इन्होंने दिए थे जो आज भी डीडी के अंदर दिखाए जाते हैं, दिल्ली दूरदर्शन पे चैनल आज भी आते हैं, व्योमकेश बख्शी एक जासूसी सीरियल, और रजनी जो कि एक एक्टिव लेडी की कहानी है। उसके बाद इन्होंने फिल्मों में अपना हाथ आजमाया, और इन्होंने नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता दोस्तों वासु चटर्जी ने। इनमें से कुछ इनकी जानी मानी पिक्चर उस पार, चिच्चोर, पिया का घर, खट्टा मीठा, बातों बातों में, ये कुछ इनकी फेमस फिल्म थी दोस्तों। इनका संबंध राजस्थान के अजमेर से है, इस बात के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ये राजस्थान करंट अफेयर्स में लगने वाला प्रश्न है कि वासु चटर्जी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो इनका जन्म 1927 में अजमेर मेरवाड़ा में हुआ था। उसके बाद चलते हैं दोस्तों एक किताब की तरफ, और हाल ही के अंदर जो एक किताब लॉन्च की गई है जिसका नाम द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्रीव, ये किताब जो लिखी गई है ऑन बेनिफिट ऑफ ड्राई फास्टिंग डाइट के लिए, वो लिखी गई है ल्यूक कुथनो, और उनके साथ में कोऑथर है शेख अब्दुल अजीज बिन अली बिन राशिद अल नुआमी। अब इतना बड़ा नाम तो आने से रहा, लेकिन ल्यूक कुथनो याद हो जाता है। यदि आपको ल्यूक ना आए तो लैक याद हो जाएगा, और लैक हमेशा सूखी रहती है दोस्तों क्योंकि बारिश होती नहीं है, तो द ड्राई से आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि द ड्राई में लैक शब्द आएगा, और लैक होते आपका ल्यूक कुथनो बिल्कुल सही आंसर जाएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कुछ अपॉइंटमेंट की तरफ, और सबसे पहले मैं आपको CII की तरफ लेके जाता हूं, जिसने हाल ही में अपनी सफलता के 125 साल मनाए थे, और अभी एक वेबिनार के द्वारा हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी ने इसको संबोधित भी करा था, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसमें कुछ संगठन के अंदर इनमें जो है परिवर्तन हुआ है, जाने माने उदय कोटक सर को अब इनके प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया, जिनका कार्यकाल 2020 और 21 तक रहेगा, और ये विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर सर को रिप्लेस करेंगे दोस्तों। CII जिसकी स्थापना 1895 में हुई और जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके CEO एंड MD के रूप में TV नरेंद्रन सर को चुना गया है, और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में बजाज ग्रुप के संजीव बजाज को चुना गया है, और कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक सर को इसमें चुना गया है प्रेसिडेंट के रूप में, और अपनी सफलता की 125 साल मना रहा है CII। उसके बाद चलते तो दोस्तों सोशल मीडिया ट्विटर की तरफ, जी हाँ ट्विटर के अंदर अपॉइंटेड किया गया है एक्स गूगल CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पैट्रिक पिचेटे को एज ए न्यू बोर्ड चेयरमैन, और इन्होंने रिप्लेस करा है दोस्तों अमित कॉर्देस दिन को। ट्विटर जो कि एक सोशल मीडिया है जिसमें आप 280 करेक्टर लिख सकते हैं, और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो ट्विटर के हैं वर्तमान में वो जैक डॉर्जे हैं, और ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 के दिन हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है दोस्तों। चलते हैं बाफ्टा की तरफ, यानी ब्रिटिश
एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। और इसमें खुशखबरी है, भारतीय कृष्णंदु मजूमदार सर को इसमें नया चेयरमैन चुना गया है और उन्होंने रिप्लेस करा है पीपा हरीस को। पीपा हरीस को इन्होंने रिप्लेस करा और मजूमदार सर अब बाफ्टा के नए चेयरमैन चुने गए हैं। दोस्तों, जो बाफ्टा इस बार 2020 में रहा, उसमें साउथ कोरिया की मूवी जो नॉन इंग्लिश मूवी थी पैरासाइट, उसने और साथ में जोकर मूवी ने काफ़ी धूम मचाई थी। दोस्तों, उसके बाद चलते हैं कुछ भारतीय राजदूत और हाई कमिश्नर जो अभी चेंजेस हुए हैं उनकी तरफ। सबसे पहले मैं आपको फिनलैंड लेके चलता हूँ। फिनलैंड जिसकी राजधानी एहलेंस की है और जहाँ पर सना मरीन है एज ए पीएम लेडी, तो वहाँ पे हमारे एक्स मेंबर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक पर्सन रवीश कुमार सर, जो कि जाने माने एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्ट्री में रह चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी उनमें इनका महत्वपूर्ण रोल था और एनआरसी लागू करने में भी इनका महत्वपूर्ण रोल रहा, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन। आखिरकार इस ब्यूरोक्रेट को फिनलैंड का भारतीय एम्बेसडर चुना गया है और इन्होंने रिप्लेस करा है वानी राव को। उसके बाद दोस्तों हम चलते पपुआ न्यू गुएना, और पपुआ न्यू गुएना में श्री सुशील कुमार सिंगल नए नेक्स्ट हाई कमिश्नर चुने गए भारत की तरफ से और उन्होंने रिप्लेस करा विजय कुमार को। और कुवैत के अंदर सीबी जॉर्ज अपॉइंटेड हुए नेक्स्ट एम्बेसडर और उन्होंने रिप्लेस कराया के जीवा सागर को। और गायत्री कुमार यूनाइटेड किंगडम के अंदर नेक्स्ट हाई कमिश्नर चुनी गई है और उन्होंने रिप्लेस करा रुचि घनश्याम को। अब दोस्तों, मैंने टोटल चार जनों को बताया, अब उसको याद करने का तरीका क्या होगा, इसलिए मैं वापस बैक पे आया हूँ। देखिएगा, यहाँ फिनलैंड है और फिनलैंड के अंदर रवीश कुमार। अब बातचीत आती है, कैसे याद होगा सर, वहां पे एज ए एम्बेसडर चुने गए। देखिएगा, नाम है रवि, रवि यानी सूरज, और फिनलैंड यानी इसको हम ऐसे याद करेंगे कि भैया जो सूरज है वो सीधा लैंड के ऊपर तपता है और लैंड से बन जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड के अंदर रवीश कुमार एज ए एम्बेसडर चुने गए हैं। उसके बाद यदि बातचीत आती है कि पपुआ न्यू गुएना के अंदर श्री सुशील कुमार कैसे याद होंगे सर, तो देखिएगा पपुआ से याद आ जाएगा छोटा पप्पू, और छोटा पप्पू सुसू करता रहता है और सुसू से आ जाएगा सुशील कुमार। ऐसे ही कुवैत कैसे याद होगा, बड़ा इजी है, सभी लोग कुवैत चलेंगे, तो सभी लोग चलेंगे कुवैत से हो जाएगा सीबी जॉर्ज, सीबी जॉर्ज, तो सभी जने चलेंगे कुवैत, तो सभी से बन जाएगा सीबी जॉर्ज। और उसके बाद बातचीत आती है यूनाइटेड किंगडम की, तो यूके में आजकल बोरिस जॉनसन गायत्री मंत्र का जाप करता है, ओम भूर्भुवस्व तत्स्व वितुर्वरेण्यम वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस तरह से हमें ये सब याद हो जाएगा। अब देखिएगा, आप दो मिनट आइस क्लोज करके भी यदि मैं आपसे पूछूं तो आप आंसर दे सकते हैं कि भैया लैंड के ऊपर क्या चमकेगा, आपने कहा रवि, तो रवीश कुमार फिनलैंड के अंदर। मैंने आपसे कहा कि गायत्री मंत्र का जाप कहाँ करते हैं, आपने कहा यूके के अंदर। मैंने कहा हम सभी कहाँ चलेंगे, आपने कहा कुवैत, और फिर पप्पू क्या करता रहता है सुसु, उससे बन जाएगा सुशील कुमार। बताइए दोस्तों, ईजी है या नहीं है। उसके बाद चलते हैं आगे, आज का चेहरा पहचानो प्रतियोगिता। दोस्तों, एसकेसीसी की तरफ से वही चेहरे दिखाए जाते हैं जो आपके प्रश्न अधिकतर पूछे जाएंगे। आपको ये चेहरा बताना है। आप सब ने एक हॉलीवुड मूवी देखी थी और अभी ऑस्कर और बाफ्टा में तो इस मूवी ने काफी धूम मचाई थी दोस्तों, और इस मूवी का नाम है जोकर। जी हाँ, यहाँ पे जोकर के हीरो नजर आ रहे हैं, आपको उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आपका कितना आंसर सही जाता, और सही आंसर देखने के लिए आप लगातार वीडियो देखते रहिए। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्र रिश्तेदारों को जरूर शेयर कीजिए इसका लिंक। मेरा उद्देश्य आपको इजी तरीके से पढ़ाना है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो। दोस्तों, मेरे जीवन का तो मैंने उद्देश्य बना लिया कि मैं मेरे स्टूडेंट को एज ए गॉड मानता हूँ, और ये चाहता हूँ कि मेरे गॉड को बहुत जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, यानी जी से जी मिल जाए, जी फॉर गॉड एंड जी फॉर गवर्नमेंट जॉब। और तब तक के लिए पुखराज शर्मा को दोस्तों इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।